नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। अब खबर झालावाड़ से। शहर के इंद्रप्रस्थ होटल में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन दिखाए गए, जिसमें राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित मध्य प्रदेश से भी कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सत्संग आयोजनकर्ताओं ने बताया कि रूढ़िवादी परंपराओं व सामाजिक कुरीतियों ने समाज को जकड़ लिया है। हर तरफ हाहाकार मची हुई है। कहीं बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो कहीं आडंबर की वजह से लोगों को दुख झेलने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में पूरे समाज को पूर्ण गुरु की जरूरत है, ताकि सभी सत्य साधना करके इस मृत्यु मंडल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। वर्तमान समय में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में फैल बुराइयों जैसी दहेज, चोरी, रिश्वत, भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करने की बीड़ा उठाया है। संत जी ने सत्संग में यह भी बताया कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है। 84 लाख प्रकार की योनियां भोगने के बाद इंसान को मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके सतलोक अर्थात अमर लोक में जाना होता है। लेकिन मनुष्य देखा देखी की होड़ और समाज की चकाचौंध में इतना डूब जाता है कि उसे सही भगवान और पूर्ण गुरु की पहचान नहीं हो पाती है। संत जी ने सत्संग के माध्यम से पूर्ण गुरु की पहचान बताई तथा सामाजिक सुधार के बारे में लोगों को अवगत कराया। संत जी ने दहेज को दानव बताते हुए लोगों को दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा दी।